नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। 22 अनुमंडल मुख्यालय में नगर पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए बुधवार को पांचवें दिन शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन का सिलसिला जारी रहा, जहां 22 से कुल 13 और अमोर से कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। 22 अनुमंडल मुख्यालय में नगर पंचायत के लिए निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोशी की मौजूदगी में नामांकन के लिए कई अलग अलग टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 22 से आज पांचवें दिन 2 लोगों ने मुख्य पार्षद और 11 लोगों ने पार्षद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अमोर नगर पंचायत के लिए निर्वाचित पदाधिकारी सह DCLR श्री आलोक चंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अमोर से कुल 27 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 3 मुख्य पार्षद, 3 उप मुख्य पार्षद और 21 पार्षद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आज तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी और टोटल पार्षद या वार्ड सदस्यों के कितने नामांकन हैं? 22 अनुमंडल अंतर्गत नगर पंचायत 22 में आज पांचवा दिन नामांकन का दिन है, जिसमें कुल 2 लोगों ने मुख्य पार्षद और टोटल 11 लोगों ने पार्षद के पद पर नामांकन दर्ज किया है। आज का जो नामांकन प्रक्रिया चला सर, कैसा रहा, कितने लोगों ने नामांकन पत्र? आज तक ठीक था और सारे दिनों से आज ज़्यादा भीड़ थी। आज हमारे यहाँ टोटल 27 नॉमिनेशन हुए हैं, 21 पार्षद के लिए लोगों ने किया है और बाकी 3 मुख्य पार्षद और 3 उप मुख्य पार्षद, तो कुल मिलाकर आज का 27वां नॉमिनेशन। सर, अभी जो यहाँ नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रहा है, क्या किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आ रही? नहीं, अभी तक तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। किसकी महिलाएं है? अभी महिलाएं ही हैं, करीब 95% अभी तक जितनी नॉमिनेशन हुआ है 95% महिलाओं ने किया। आज कितने दिन प्रक्रिया नामांकन का? आज पांचवा दिन। अब तक पांचवा दिन में कितने टोटल? अभी तक 36 नॉमिनेशन अमर के लिए हो चुका है, जिसमें 19-20 को मिला के 9 नॉमिनेशन हुआ था और आज 27 नॉमिनेशन। मैं आलोक चंद चौधरी, निर्वाचित पदाधिकारी DCLR 22 अमोर बगुआ कला। किस पद के लिए आप नॉमिनेशन? वार्ड परिषद। ठीक है, अभी यहाँ आप कहाँ आए हुए हैं? यहाँ 22। कौन कैंडिडेट है? नंदिनी कुमारी। देखिए, वार्ड परिषद अमोर पंचायत के लिए वार्ड नंबर 4 से परिषद में आए हैं और हम लोग एक नौजवान होकर के जो एक विकास करना है, सही रास्ता चलना है और गांव के लिए अच्छा एक विकास करना है और इस विशेष में हम लोग आकर के खड़ा हुए हैं। आज आप नॉमिनेशन के लिए आए हैं, तो किस पद से हैं सबसे पहले तो ये बताइए? मुख्य पार्षद। अगर आपको इसमें सफलता मिलती है तो सबसे पहले मुख्य कारण आपका ये जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा मुख्य कारण रहेगा विकास, शिक्षा, सबको एक साथ लेके चलना है और बाकी पब्लिक का जो पब्लिक जो सोच के हमको अगर बना रही है, अगर बना देती है तो उसमें हम खड़े उतरने का कोशिश करेंगे, जो किसी को मौका न दें हम, और हमसे जहां तक होगा हर काम को हम ईमानदारी के साथ करेंगे। मोहम्मद सादिक हुसैन, अमोर ग्राम नगर पंचायत। उप मुख्य पार्षद। जी, कहां से? अमोर से। अगर आपको इसमें कामयाबी मिलती है, पब्लिक आपको इस सीट के लिए चुनती है, तो सबसे पहले आपका जो मुख्य कार्य होगा वो क्या करेंगे? सब किसी को लेकर के मशवरा करेंगे, उसके बाद सब किसी को लेकर के मशवरा करेंगे बैठा करके, उसके बाद कुछ सोचेंगे आगे जो होगा उसके लिए हम जितना जो भी होगा सेवा पानी करेंगे उसको, उन लोगों को लेकर के। शमसुल हक। कौन कैंडिडेट? महिला है निखत। कौन है वो? हमारा बहू है, उसका नाम क्या? निखत। प्रखंड कौन सा? प्रखंड अमोर है। आप जो आज नॉमिनेशन करने आए किस पद? वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 2 के लिए प्रखंड अमोर नगर पंचायत अमोर। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में आए हैं, आपका क्या मकसद लेकर आए हैं? मेन मुद्दा मेरा ये है कि मेरे वार्ड में मतलब बहुत बुरी तरह से, जैसे रोड गली नाला की काम नहीं हुई है ढंग से, जो मैं चाहता हूँ कि वो
मैं एक प्रतिनिधि बनकर मैं उस काम को मतलब इस तरह से काम किया जाए जो वहाँ के जो वोटर जो है उन लोग का अगले बार ये इच्छा हो कि नहीं आप दोबारा फिर आइए। किस क्षेत्र से है? जी अमोर पंचायत से। किस पद के लिए? जी उप पार्षद के लिए। अच्छा, अगर आपको इसमें कामयाबी मिलती है तो सबसे पहले जो आपके प्राथमिकता रहेगी अवार्ड के लिए इसमें है तो आपको लोगों के लिए क्या करेंगे? जी जो भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे अपने पंचायत के लिए। अच्छा, लोगों के बीच आप जब वोट मांगने के लिए किस मुद्दे को लेकर काम करेंगे? जी और सब जीता, कई बार जीता, हम लोग इस वजह से खड़ा हुए हैं कि मतलब विकास नहीं हो रहा सर, विकास होना चाहिए, इस मकसद से हम खड़ा हुए हैं। अब अगर सब समर्थक होकर के हमें जीता रहा है, अगर कामयाब कर रहा है तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे जो करेंगे। हमारा नाम नजरुल हो, कैंडिडेट मेरी चाची है, कौसरी नाम हुआ जी। और अभी भी वार्ड नंबर 9 के और पिछले अभी भी रह चुके हैं। अब जो देखते हैं आप पब्लिक का बहुत काम किए हैं। हमारा पिता भी जी थे 2016 में, वो डेट हो गया, फिर पब्लिक ने चुना 2017 में जी। तो फिर 5 साल हम जो भी किए हैं पब्लिक का भला, पब्लिक चुनेगा, फिर हार जीत का तो अलग बात है, पब्लिक किया है, सब साथ है हमारे साथ में। और देखिए जो भी अगर पब्लिक हमको चाहेगा तो फिर इंशाल्लाह आएंगे आपका न्यूज में देंगे हम। आपको लोगों के बीच जब वोट मांगने के लिए जाएंगे किस मुद्दे को लेकर, कहा कि पीछे आप 5 साल से हैं, किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच? हम इतना ही पब्लिक को गए हैं तो 5 साल हम किए हैं काम और फिर काम देखा हुआ है सब आदमी को, पब्लिक को, और फिर देखिए हमको फिर बनाए हैं, फिर बनाइए इंशाल्लाह जहाँ तक होगा हम अपना काम करेंगे। कौन उठी है? हमारा आमी बने हैं अभी, मोहम्मद रमजान, सैरुन्निसा, मोहम्मद फारूक।